हर महादेव दर्शकों जय महाकाल। यदि आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, वो सुबह दोपहर शाम दवाई खाता जा रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, बिस्तर पे ही पड़ा है वो, तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय में आपको एक लोटा जल लेना है और उस जल में आपको कुछ नीम के पत्ते डाल लेने हैं। कोई गिनती नहीं है कि आप इतने पत्ते डालें, कितने भी पत्ते हों वो आपको डाल लेने हैं उस जल में। उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है, ध्यान रखिए जो व्यक्ति बीमार है, जिस बिस्तर पर वो लेटा रहता है हर समय, उस बिस्तर के पास वो जो लोटा है जल का, वो आपको नीम के पत्तों वाला वो आपको रख देना है। रात भर के लिए आपको रखना है वो लोटा। उसके बाद आपको वो लोटा उठाना है और जो व्यक्ति बीमार है उसके सिर से लेकर पैर तक वो 21 बार घुमाना है। आपको नाम लेना है श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए वो जो लोटा है 21 बार, जो घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में आपको सिर से लेकर पैर तक 21 बार आपको घुमा देना है। आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते रहना है। उसके बाद आपको जाना है नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ जाकर आपको वो जल श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा देना है उस वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी जो गीली, जब आप जल चढ़ाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी मिट्टी जो गीली हो जाएगी वो आपको मिट्टी ले आनी है, और वो लाकर आपको जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है उसके माथे पर लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए। तो आप देखिएगा, आप ये उपाय कीजिए और उसके बाद देखिएगा चमत्कार होगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे सही होने लगेगा। बस मिट्टी आप लाकर श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए उसके माथे पर लगा दीजिए और देखिएगा वो धीरे धीरे, उसे आराम मिलने लगेगा। उसके जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफें हैं उसकी बीमारी की वजह से, जो इतना टाइम हो गया उसे दवाई खाते खाते, वो ज़रूर आपकी उसकी समस्या है बीमारी की, वो ज़रूर समाप्त हो जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।